हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की मेरी ये वीडियो कर्व्स और इंडिसेस के ऊपर है। पेपर में आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अपनी 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसी के आगे नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ रहा है कि बीच में ना प्लस है ना माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर क्या होगा, और साथ में अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर इसका वही होगा जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ध्यान रखना मल्टीप्लाई हो और इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही हो। सेम यहाँ पे रूट सिक्स मल्टीप्लाई करना है और अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 6। लास्ट वाले के अंदर रूट 19 अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका, 19। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने मल्टीप्लाई में ही रूट टू लिखा है, बट इसके अंदर कहीं पर भी वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाती। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, वो यहाँ पे 2 उठा के लिख लेना है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, रूट है। यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख लेनी है मैंने, 2। कितने टाइम्स आ रहा है ये, 1, 2 और 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3। उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 3 से एक कम कर लेना, 2 का 2, 3 से एक कम करेंगे 2 आ जाएगा, फिर एक और कम करेंगे 2 की पावर 1, फिर एक और कम करेंगे 2 की पावर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 0 या किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो ऑलवेज 1 रहता है, तो 2 को 1 टाइम करेंगे 2 ही आएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 8। और ये सारी किसकी पावर थी जी, 2 की थी, तो 2 यहाँ लिख लेंगे हम, 2 इन सबको ऐड कर देंगे, 4 2 6 6 और 1 7 7 अपॉन 8, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।